हेलो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है गणेशा मास्क। यह मास्क हम फैंसी ड्रेस शो या कंपटीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। गणेशा मास्क बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, एक चार्ट पेपर चाहिए, पेंसिल, इरेजर, सीजर और हमें एक गोल्डन पेपर चाहिए और दो प्लेट्स चाहिए, एक प्लेट बड़ी और एक छोटी। हम चार्ट पेपर लिया है, इसके हम फोर पार्ट्स कर लेंगे इक्वल। ये देखो, ऐसे और ऐसे करके हम इसके फोर इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। ये हमने इसके फोर पार्ट्स कर लिए हैं। हम एक वन फोर्थ पार्ट लेंगे चार्ट पेपर का और उसके ऊपर पेंसिल की हेल्प से एक सर्कल बना लेंगे। ये जो हमारा सर्कल है, इससे हम गणेशा के ईयर्स बनाएंगे। फिर हम दूसरा वन फोर्थ पार्ट लेंगे और उसके ऊपर हम एक बड़ी प्लेट रखेंगे और इससे भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इससे हम गणेशा का फेस बनाएंगे और फिर जो थर्ड पार्ट है वन फोर्थ, उसके ऊपर हम गणेशा की सूंड ड्रॉ करेंगे। और अब जो हमारा एक पोर्शन रह गया है, उसको हम फ्री छोड़ देंगे। एक छोटा सर्कल काट लिया है, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करके हमारे पास दो पार्ट्स बन जाएंगे और ये हमारे ईयर होंगे गणेशा के। ये देखिए, अब हम इसको सर्कल के ऊपर ही प्रेस करेंगे और ये हमारा हाफ सर्कल बन गया। हाँ, अब ये देखिए, इसमें मार्क आ गया। अब यहाँ हम सीजर की हेल्प से इसको काटेंगे। अब हमारे दो हाफ सर्कल तैयार हैं और ये हमारे क्या हैं, दो कान हैं गणेशा के। अब ये चार्ट पेपर से बड़ा सर्कल भी काट लिया है। जो गणेशा की सूंड को हमने ड्रॉ किया है, हम काट लेंगे और फिर हम इसको सूंड को फेस के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये हमारी गणेशा की सूंड की कटिंग है। ये तो उनके कान हैं और ये हमारा फेस है। गणेशा के दो टीथ बनाने हैं। हम एक पेज का जो ये साइड ले लेंगे, एक दांत हमारा छोटा बनेगा और एक हमारा बड़ा बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे गणेशा की आईज को ड्रॉ करेंगे, फिर हम सीजर की हेल्प से इन आईज को काट लेंगे। हमने गणेशा के फेस पे आईज को काट लिया, ईयर्स को इस पे पेस्ट करेंगे। ज़्यादा बच्चों ग्लू नहीं लगाना, क्योंकि पेपर है, पेपर ख़राब हो जाएगा। हम यहाँ पे इसके ईयर्स को ऐसे चिपका देंगे इनके फेस के साथ। हमारे गणेशा के फेस पर ईयर लग गए हैं। अब ये हमारी इनकी सूंड है जिसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम इनके टीथ को भी लगाएंगे। अब हम इनके टीथ के ऊपर इनकी सूंड को भी लगा देंगे। ये देखो, हमारा अब मास्क बनकर तैयार है, लेकिन हमने इसको थोड़ा डेकोरेट करना है और सबसे पहले हम इनका मुकुट बनाएंगे। अब इस गोल्डन शीट से हम गणेशा का मुकुट बनाएंगे। इसको ड्रॉ कर लिया है, अब काटेंगे। हमारा मुकुट की कटिंग बनकर अब तैयार है और इसको हम गणेशा के फेस पर ऐसे चिपकाएंगे। अब हमारा गणेशा का मुकुट भी लग गया है, आईज भी तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर देंगे। हम ब्लैक ग्लिटर पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ऐसे हम सबकी आईज की हमने आउटलाइन की है। अब गणेशा के फेस पे कलर करेंगे। हमने लाइट कलर करना है ताकि इक्वल कलर आए। इस पे इस जो स्केच पेन है या आपके पास ग्लिटर पेन होंगे, उससे शेड्स दे देंगे। अब हम तिलक बनाएंगे और उसको रेड कलर से आउटलाइन करेंगे इसकी। हम स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लिटर पेन भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कल में हम बिंदी भी लगा सकते हैं। हम कोई भी डिज़ाइन बनाकर उस पर बीड्स या बिंदियाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ग्लिटर पेन भी यूज़ कर सकते हैं और स्केच पेन भी, कलर्ड पेन। यहाँ पे फिर होल करेंगे
और इसमें इलास्टिक या रबर बैंड या थ्रेड लगा देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना।